Good morning, dear students. Hope you all are fine and uh, safe. Dear students, today we will read our chapter 11th from English Reader, that is Kites. In this chapter, we will read about kites, who firstly started to use kites, and what were the uses of kites in uh, past time. So, let's start. अ काइट इज कैरीड बाई विंड काइट को किसके द्वारा कैरी किया जाता है विंड के द्वारा क्लियर यानी कि हवा में उड़ाया जाता ना काइट को टगिंग एट द स्ट्रिंग इट पुल्स अपवर्ड्स डिपिंग एंड स्विंग टगिंग टगिंग मीन्स पुलिंग समथिंग हार्ड एंड रिपीटिडली यानी कि किसी चीज़ को कस के खींचना जब उसको हम स्ट्रिंग से उसकी डोरी से उसको खींचते हैं इट पुल्स अपवर्ड्स वो ऊपर की तरफ जाता है ना डिपिंग कभी वो गोइंग डाउनवर्ड्स डिपिंग मीन्स गोइंग डाउनवर्ड्स एंड स्विंग स्विंग मीन्स मूविंग स्लोली फ्राम ए साइड टू साइड यानी कि जब हम उसकी स्ट्रिंग को टगिंग करते हैं पोलिंग करते हैं उसको हार्डली तो समाइम इट गोज़ अपवर्ड्स समटाइम इट गोज़ डाउनवर्ड्स एंड समटाइम इट मूव फ्राम साइड टू साइड द स्ट्रिंग अनविंड्स अनविंड्स मीन्स अंडज समथिंग डेट हैज बीन रैप्ड यानी कि जब हम उसको स्ट्रिंग को खोलते हैं द काइट क्लाइम्स हायर एंड हायर इंटू द ब्ल्यू काइट हैज ओ क्लाइम्स क्लाइम्स मीन्स जाता है हायर एंड हायर ऊंचा और ऊंचा इंटू द ब्लू द ब्लू मीन्स द स्काई और जब हम उसको स्ट्रिंग को अनविंस करते हैं खोलते हैं तो काइट है हायर और हायर कहाँ जाता है स्काई में इट्स कलरफुल सेप लुक ब्यूटीफुल अगेंस्ट द स्काई और जो इसकी कलरफुल सेप है वो बड़ी ब्यूटीफुल लगती है स्काई के अंदर फ्लाइंग अ काइट इज अ फन वे टू स्पेंड अ ब्राइट डे किसी भी ब्राइट डे को स्पेंड करने के लिए काइट उड़ाना क्या है कि फन वे है एक उसमें हमें क्या मिलता है फन मिलता है पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर टू थाउजेंड ईयर्स एगो पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स लोगों ने काइट को फ्लाई करना स्टार्ट किया था कब टू थाउजेंड ईर्स एगो द चाइनीज वर द फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स और सबसे पहले काइट्स को किसने फ्लाई किया था चाइनीज ने और कब स्टार्ट किया था काइट को फ्लाई करना ओवर टू थाउजेंड्स ईयर्स एगो द चाइनीज वर द फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स सबसे पहले काइट्स को किसने फ्लाई किया था चाइनीज नेगो चाइनीज ट्रेवलर्स ब्रोट काइट टू इंडिया सेवरल सेंचुरीज एगो बहुत सेंचुरी पहले बहुत शताब्दियों पहले चाइनीज जो ट्रेवलर्स थे वो काइट को कहाँ ले के आए इंडिया में एंड नाउ फ्लाइंग काइट्स इज़ अ फेवरेट पास टाइम और अब काइट को फ्लाई करना एक पास टाइम बन गया है फेवरेट वाला पास टाइम मीन्स समथिंग वी डू फॉर इन्जॉयमेंट इन फ्री टाइम यानी कि जब हम फ्री टाइम को इन्जॉय करने के लिए कुछ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पास टाइम सो काइट को फ्लाई करना Now flying kites is a favorite pastime for both children and adults. बड़ों और बच्चों दोनों के लिए क्या बन गया है ये एक फेवरेट पास टाइम क्लियर प्रीवियसली काइट्स वर यूज फॉर स्पाइंग इन वॉरफेयर प्रीवियसली यानी कि पहले काइट को यूज़ किया जाता था फॉर स्पाइंग स्पाइंग मीन्स कलेक्टिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन गेट uh, करना वो क्या कहलाता स्पाइंग मीन्स जासूसी काइट्स वर यूज फॉर स्पाइंग इन वारफेयर वारफेयर में युद्धों में काइट को एक तरह से जासूसी के तौर पे यूज़ किया जाता था एरोप्लेन्स वर नोट कॉमन इन दोज डेज उन दिनों एरोप्लेन्स कॉमन नहीं थे एरोप्लेन का यूज़ नहीं किया जाता था काइट्स विद कैमराज टाइट टू दैम वर्सेंट हाई इन द एयर टू टेक पिक्चर्स काइट्स विद कैमराज और जो काइट्स थे उनको कैमरे कैमरा बांध के उन पर वो कहाँ भेजे जाते थे इन द एयर टू टेक पिक्चर्स काइट्स विद कैमराज काइट्स को कैमरे के साथ टाइड टू दैम यानी कि काइट्स पे कैमरे को टाई करके वेहर दे वर्सेंट

हाइडिंग जो एरियल फोटोग्राफ्स लिए जाते थे काइट के द्वारा उन पे कैमरे को टाई करके वो सोल्जर की किसी में मदद करते थे फाइंड आउट वेहर द एनिमी फोर्सेज वर हाइडिंग यानी कि जो एनिमी फोर्सेज है वो कहाँ पे हाइड कर रखा उन्होंने कहाँ पे छिपी है सम आर्मीज़ यूज काइट एज टारगेट फॉर शूटिंग प्रैक्टिस और बहुत सी जो आर्मी थी वो यूज़ करती थी काइट को एज अ टारगेट टारगेट में ऑब्जेक्ट शूटर्स एम एट यानी कि जिसपे निशाना लगाया जाता था फॉर शूटिंग प्रैक्टिस शूटिंग प्रैक्टिस के लिए एज इट इज शोन इन दिस पिक्चर ही जो ये है ये क्या कर रहा है ये काइट को टारगेट बनाकर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है क्लियर सो सम आर्मीज यूज काइट्स एज टारगेट्स फॉर शूटिंग प्रैक्टिस शूटिंग प्रैक्टिस के लिए उनको एक टारगेट के तौर पे यूज़ किया जाता था क्लियर साइंटिस्ट हैव यूज्ड काइट्स टू कैरी इंस्ट्रूमेंट हाई इनटू द क्लाउड्स साइंटिस्ट हैव यूज्ड साइंटिस्ट यूज़ कर चुके हैं काइट को टू कैरी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट को कैरी करने के लिए हाई इनटू द क्लाउड्स यानी कि साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कर रखा है कि साइंटिस्ट हैव यूज साइंटिस्ट ने क्या यूज़ कर रखा है कि काइट्स को वो क्लाउड्स में भेजते थे उसके साथ इंस्ट्रूमेंट लगा के क्लियर एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स वुड मेजर और जो ये इंस्ट्रूमेंट थे वो मेज़र करते थे मापते थे एंड रिकॉर्ड और रिकॉर्ड करते थे टेम्परेचर एंड विंड स्पीड और जो ये इंस्ट्रूमेंट जो काइट के साथ कैरी किया जाता था ये क्या करते थे ये वुड मीजर एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर टेम्परेचर को मेजर करते थे और उसका रिकॉर्ड रखते थे एंड विंड स्पीड यानी कि टेम्परेचर और विंड स्पीड दोनों का क्या करते थे उसको मेजर करते थे और उसका रिकॉर्ड लेते थे वो समाइम्स द काइट्स कुड नॉट समाइम्स कई बार जो काइट्स से कुड नॉट फ्लाई हाई इनफ कई बार जो काइट हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक नहीं जाते थे वैन दिस हैपन और जब ये होता था मैनी काइट्स वर टाइड टुगेदर इन ट्रेन बहुत सारे काइट्स को एक ट्रेन के तौर पे जैसे ट्रेन होती है ना वट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेन हेयर अ नंबर ऑफ थिंग्स इन अ लाइन बहुत सारी चीज़ें एक लाइन के अंदर यानी कि मैनी काइट्स वर टाइड टुगेदर बहुत सारे काइट्स को एक साथ है, बांध दिया जाता था या दिस द फर्स्ट काइट वॉज सेंट एज हाई एज इट कुल और फर्स्ट काइट को जहाँ तक वो सेल कर सकता था जा सकता था वहाँ तक भेजा जाता था इट स्ट्रिंग वॉज देन अटैच टू द सेकेंड काइट और उसके बाद उसकी स्ट्रिंग को दूसरे काइट के साथ अटैच किया जाता था विच वुड हेल्प द फर्स्ट काइट गो इवन हाई ताकि जो फर्स्ट वाला काइट है वो और भी ऊंचाई तक जा सके और थर्ड और इवन फोर्थ काइट कुड भी एडिड टू द ट्रेन कई बार थर्ड और उसके बाद इवन फोर्थ काइट को भी उसके साथ एड किया जाता था उस ट्रेन के अंदर क्या होता था कई बार वेन द काइट कूडनट फ्लाई हाई इनअ मैनी काइट्स वर टाइट टूगेदर इन ए ट्रेंस और जहाँ पहले फर्स्ट काइट को सेल किया जाता था और उसकी स्ट्रिंग के साथ दूसरे काइट को अटैच किया जाता था जिससे जो फर्स्ट वाला काइट है वो ऊँचाई तक जासके और उसके बाद थर्ड एंड इवन फोर्थ काइट कुड भी एडिड टू द ट्रेन क्लियर द अमेरिकन इन्वेंटर बेंजामिन फ्रेंकलिन वंस कंडक्टेड अ फेमस एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ काइट एक बार अमेरिका के जो इन्वेंटर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन उसने क्या किया था वंस कंडक्ट अ फेमस एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट किया था काइट को यूज़ करके हु कंडक्ट अ फेमस एक्सपेरिमेंट अमेरिकन इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड फ्रेंकलिन वॉन्टिड टू शो दैट लाइटनिंग वॉज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वट फ्रेंकलिन वॉन्टिड टू शो फ्रेंकलिन वॉन्टिड टू शो दैट लाइटनिंग जो लाइटनिंग है जो स्काई में जो लाइटनिंग होती है जो बिजली चमकती है वॉज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो अभी किसका रूप है इलेक्ट्रिसिटी का ही थोट दैट He could prove it if he sent a kite to catch the current from her lightning flashes. और उसने क्या सोचा? He thought that he could prove वो इसको prove कर सकता है, if he sent a kite अगर वो एक kite भेजे, to catch the current from lightning flashes. यानी के जो lightning flashes होती हैं, जो light चमकती है sky के अंदर जब बारिश होती है वो क्या उसने क्या सोचा कि वो इसको प्रूव कर सकता है एक काइट के द्वारा एक काइट को स्काई के अंदर भेज करके फ्रॉम टू कैच द करंट फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैशेस लाइटनिंग जो फ्लैशेस होती है उससे करंट को कैच करने के लिए वो एक स्काई एक काइट को स्काई में भेजकर इसको प्रूव कर सकता है क्या प्रूव कर सकता है कि जो लाइटनिंग है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एक रूप है क्लियर सो वट ही डिड क्या किया उसने वी विल रीड नाउ फ्रेंकलिन काइट वॉज मेड ऑफ लाइट स्टिक्स एंड सिल्क फैब्रिक जो फ्रेंकलिन का जो काइट था वो किसका बना हुआ था लाइट स्टिक्स थी और सिल्क फैब्रिक था एंड आयरन वायर वॉज अटैच टू इट्स फ्रेम जो आयरन की वायर थी वो क्या थी वो अटैच की गई थी उसके फ्रेम के साथ जो आयरन की जो वायर थी वो क्या की गई थी जो इसका फ्रेम था इसके साथ क्या की गई थी अटैच की गई थी क्लियर जो उसका फ्रेम था उसके चारों तरफ क्या लगाई गई थी आयरन की वायर एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड ए ब्रेस की और जो स्ट्रिंग का जो एंड था वहाँ पे उसने क्या की थी एक जो पीतल की जो की उसको टाई कर दिया था ब्रश की डैन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ही टाइड अ सिल्क रिबन और उसके बाद उसने क्या कर दिया था एक सिल्क का रिबन बांध दिया था विच ही वुड होल्ड वाहिल द काइट फ्लू ताकि वो काइट को जब वो फ्लू करेगा वो उसको पकड़ लेगा ही न्यू सिल्क वुडन कंडक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल एंड होप्ड इट वुड हेल्प इट वुड कीप ही सेफ और उसने वो जो सिल्क के रिबन किस लिए बाँधी वो जानता था कि जो सिल्क है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा और वो उसको सेफ भी रखेगा क्योंकि किस लिए बाँधा उसने सिल्क का फेब्रिक क्योंकि जब वो काइट को उस काई के अंदर भेज रहा था उसने काइट के चारों तरफ क्या लगा दिया था आयरन वायर लगा दिया था ना और उसकी स्ट्रिंग के एंड पे क्या लगाई थी एक ब्रास की आफ्टर दैट उसने क्या टाई किया था एक सिल्क फैब्रिक की जो स्ट्रिंग थी वो टाई की थी ताकि जब वो काइट uh, को फ्लू करेगा काइट को उसमें स्काई में फ्लाई करेगा तो जो करंट है वो उसको नहीं छू सकेगा क्लियर वाई बिकॉज सिल्क ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल ओन अस्टोर्मी आफ्टरनून फ्रेंकलिन सेट आउट टू ट्राई हिज ए काइट एक स्टोरमी आफ्टरनून को फ्रेंकलिन ने अपने काइट को फ्लाई करना स्टार्ट किया अ ब्रिस्क ब्रीज वॉज ब्लोइंग और हवा कैसी थी बड़ी ब्रिक्स ब्रिस्क थी बड़ी कोल्ड थी बड़ी प्लेजेंट थी फ्रेंकलिन काइट रोज क्विकली इंटू द डार्क क्लाउड्स जो फ्रेंकलिन काइट था वो रोज़ किया वो ऊपर तक गया क्विकली इंटू द डार्क क्लाउड्स डार्क क्लाउड्स किसी कह रहे हो क्योंकि वो आफ्टरनून कैसी थी स्टोमी थी रेनड्रॉप्स व प्लेटिंग डाउन और जो रेनड्रॉप्स थे वो नीचे गिर रही थी बारिश हो रही थी ही नीटी टू कीप दिल्क रिबन ड्राई और उसको क्या जरूरत थी वो सिल्क रिबन को क्या रखे ड्राई रखे क्यों अगर वो वेट हो गया तो क्या लगेगा उसको करंट लग जाएगा क्लियर ही नीडिड टू कीप सिल्क रिबन रिबन ड्राई बिकॉज वंस वेट इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि अगर वो एक बार गीला हो गया तो क्या कंडक्ट करेगा क्या पास हो जाएगी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंकलीन रीज आउट एंड टैप द की विद हिज फिंगर फ्रैंकलिन जो चाहता था वो उसने किया और जो की था उसको की थी उसको फिंगर के साथ टैप किया टच किया स्पार्क्स फ्लू क्या हुआ उसमें से क्या निकली स्पार्क्स चिंगारी और जो स्पार्क्स थी वो क्या थी इट वॉज इलेक्ट्रिसिटी क्या थी वो इलेक्ट्रिसिटी क्लियर यानी कि जो वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था वो क्या हो गया उसका सक्सेसफुल Clear? So, dear kids, I hope you have clearly understood up to now the chapter which we have done. Clear? If you have any kind of query, you can write in a comment box.